Rahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ala muhammadin wa barik wa sallim assalamu alaikum this is kamran hadir qureshi and today inshallah we will try to learn some rules of integration and then we will apply these rules to solve further exercises of सेकेंड ईयर मैथेमेटिक्स एक्सैस इन चैप्टर नंबर टू सो कुछ रूल्स हैं जो हमारे पास इंटीग्रेशन के रूल्स होंगे पहला रूल है जो हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड पावर रूल अगर हमारे पास कोई वेरिएबल हो और उसके ऊपर कोई पावर हो तो उसको हम इंटीग्रेट किस तरीके से करेंगे उस पर हम अप्लाई करेंगे पावर रूल सपोज करेंगे हमारे पास डेरिवेटिव हम लेंगे एक्स रीज टू पावर एन वेर एक्स रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल टर्म एंड एन इंडिकेट्स एनी नोमरिक वैल्यू तो जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो डिफ्रेंश करते हुए तो रूल ये होगा कि जो पावर होगी पावर को वेरिएबल से पहले लेंगे देन पावर में से कम करेंगे फिर तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे हम अब फंक्शन क्या होगा फंक्शन वो वेरिएबल होगा जिसके ऊपर पावर होगी फॉर एग्जांपल हमारे पास सेक्टर में जी एक्स एज एक 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 पावर फोर हम अगर उसका डेरिवेटिव लेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इसके डिफ्रेंशिएशन में पावर को पहले लिखेंगे फोर देन वेरिएबल की जो पावर थी पावर में से कम करेंगे फोर है तो फोर में से कम करेंगे तो थ्री देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज़ वन इस मेथड से हम पावर रूल अप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे कुछ टर्म्स को नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रूल है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट में अगर हमारे पास दो टर्म्स वेरिएबल हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो उनको डिफरेंशिएट हम किस तरह करेंगे उन पर रिप्लाई करेंगे हम प्रोडक्ट रूल तो दोनों में से हमने किसी एक को कह देना है फर्स्ट फंक्शन और किसी एक को कह देंगे सेकंड फंक्शन जिस मर्ज़ी को कह देंगे इसमें कुछ स्पेसिफिक हमारे पास रूल्स नहीं होगा सपोज़ करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास एक्स है अगर हम एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लें एंड वाई को हम कंसिडर करते हैं डि सेकेंड फंक्शन तो फिर हम क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल किस तरह अप्लाई करेंगे हमारे पास रूल ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ देन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ पहले हमने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखना है डेरिवेटिव लेंगे सेकंड का प्लस आ जाएगा फार्मूले का देन सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ आपको रूल्स बताए जाएंगे और इनकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे इन थर्ड रूल जो हमारे पास होगा दैट इज़ क्वेश्चन रूल क्वेश्चन टूल हम उन टर्म्स पे अप्लाई करेंगे जो फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे पास टर्म्स होंगी फ्रैक्शनल फॉर्म मतलब पी एवर क्यू फॉर्म में जो टर्म होंगी हम उन पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे जो रूल अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल आप क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक हमारे पास न्यूमिनेटर भी होगा और डी नामिनेटर भी होगा तो न्यूमरेटर क्या होगा जो ऊपर टर्म है वो न्यूमरेटर होगी और हो, जो नेचुरल टर्म होती है दैट इज़ कॉल्ड डी नामिनेटर तो क्वेश्चन रूल डिफ्रेंशिएट करते हुए हम ये करते हैं कि स्क्वेयर ऑफ डी नामिनेटर उसको हम डिनिटर के फॉर्म में लिखेंगे स्क्वेयर ऑफ डी नामिनेटर देन डी नामिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर माइनस अब जिसका हमने न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लिया था आप उसको एज इट इज़ लेने देंगे माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डायरीवेटिव ऑफ डी नामिनेटर ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन रूल तो ये तीन रूल हैं जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और देख लेते हैं जी डेरिवेटिव जो हमारी हेल्पफुल होगा हमारे लिए फर्स्ट है जी के डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स वो होगा जी हमारे पास वन कि जब हम x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर तो हो जाएगा हमारे पास वन एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy वाई बाई डी एक्स थर्ड वन इज डायरेवेटिव ऑफ अ कॉन्सटेंट नंबर सी रिप्रेजेंट एनी कॉन्सटेंट निक वैल्यू तो कॉन्सटेंट का डायरेवेटिव जो होगा दैट इज़ ज़ीरो वन टू थ्री सो ऑन ए बी सी जहाँ भी जो भी कॉन्सटेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो दैट मस्ट बी ज़ीरो अब अगर डेरिवेटिव लेंगे कौन से टर्म आती है हमारे पास वेरिएबल टर्म के साथ जिसे आप कोफ़िशियंट कहेंगे तो कोफ़िशेंट चूँकि हमारे पास नुमैरिक वैल्यू होगी कौन सी होगी उसको हम सैड पे पहले लिख लेंगे दैन हम वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगी ये कुछ चीज़ें आप दोबारा इनको स्टडी कर लेंगे कि एक्स का डिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ वन डायवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स एंड देन डायरेवेटिव ऑफ़ एनी कॉन्सटेंट ऑन अमेरिक वैल्यू इज ऑलवेज जीरो एंड इफ देर एग्जिस्ट आ कोफिशंट ऑफ वेरिएबल टर्म तो कोफिशेंट को हम पहले लिखेंगे फिर हम जो वेरिएबल टर्म होगी उसका डायरेवेटिव ले लेंगे ये म, हम रूल्स पढ़ चुके हैं तीन रूल्स और उसके साथ ये भी चीज़ें थी जो हमारी हेल्प करेंगी इन दोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज ना उन्हीं रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज एज़ टू पॉइंट थ्री है हमारे पास क्वेश्चन वन इज डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी आर गिवन टर्म एक्स रेज पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर तो हमने सबसे पहले गिवन टर्म को वेरिएबल वाई के इक्वेट करना है लेट वाई इक्वल्स टू एक्स रेज पावर फोर प्लस टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर नव हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे according टू गिवन कंडीशन दैट is differentiate with रिस्पेक्ट टू एक्स डी by डी एक्स y वाई इक्वल्स टू चूँकि ये हमारे पास सम में गिवन है प्लस का साइन अगर सेंटर में आ जाएगा तो हम वन बाई वन अगर प्लस या माइनस का साइन होगा तो हम रूल ये होगा कि हमने वन बाई वन सब टर्म को अकेले अकेले डिफ्रेंशिएट करना है जी सो so, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स पावर फोर को देन डेरेवेटिव ऑफ टू एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज डी वाई बाई डी एक्स अभी आपको बताया गया है देन देखें x पावर फोर है तो यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे विच इज़ कॉल्ड पावर रूल चूँकि वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई है तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर रूल में हमने पढ़ा था कि पावर रूल क्या होता है जी पावर को पहले लिखेंगे फिर पावर में से एक कम करेंगे चूँकि पावर हमारे पास फोर है तो फोर में से कम किया तो थ्री फिर फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन को फंक्शन क्या होगा जिसके ऊपर पावर होती है तो चूँकि फंक्शन हमारे पास एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होगा वो लिखें या ना लिखें जी नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स क्यूब अभी आपको बताया गया है कि जो कॉन्सटेंट नंबर अगर वेरिएबल के साथ आ जाए उसको हम पहले ले लिखेंगे फिर उस वेरिएबल का डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस एक्स कह रहा है डायरेवेटिव लेंगे तो टू एक्स हो जाएगा बिकॉज पावर पहले लिखेंगे और पावर में से कम करेंगे पावर टू एक्स की उसमें से एक काम करेंगे तो हमारे पास एक्स पावर वन बच गया देन हम एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे वही पावर रूल अप्लाई करेंगे पावर पीछे पावर में से एक काम फिर फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव वन होगा वो वन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फोर एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्र प्लस टू एक्स टू इंटू थ्री सिक्स एक्स प्लस टू एक्स दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन है जी हमारे पास डिफ्रेंशियट हमने किया फर्स्ट पार्ट को क्वेश्चन नंबर टू इज गिवन दैट हमने माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू चूँकि ये हमारे पास सम की कंडीशन में गिवन है प्लस हो रही टर्म सॉरी ऐड हो रही है जब टर्म ऐड हो रही होंगी तो डेरिवेटिव लेते हुए वन बाई वन हर एक टर्म का हमने डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पे अप्लाई करेंगे पावर रूल पावर रूल क्या होता है कि पावर को पहले लिखेंगे फिर पावर में से कम करेंगे अब माइनस थ्री में से वन माइनस कर तो माइनस फोर देन उस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन क्या होता है जिसके ऊपर पावर हो तो एक्स का डेरिवेटिव लेंगे दिस इज़ योर प्रॉपर पावर रूल डेरिवेटिव हम अप्लाई जब करेंगे पावर को पहले लिखें पावर में से कम करें फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव याद रखिएगा यहाँ पे आप एक्सी पावर माइनस थ्री नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और फंक्शन वो होगा जिसके ऊपर पावर होगी सिंगल वेरिएबल लिखेंगे विदाउट एनी एक्सपोनेंट अब ये था जो हमारे पास टू एक्स पावर माइनस थ्री बाई टू तो टू जो कि हमारे पास कॉफिशेंट आ गया इसका कॉन्फेंट को पहले लिखेंगे फिर उसका हम लेंगे डायरेवेटिव तो एक्स पावर माइनस थ्री बाई टू को टू को पहले लिखेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ थ्री बिकॉज थ्री इज़ अ कॉन्सेंट नंबर तो कॉन्सेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस थ्री एक्स रिप पावर माइनस फोर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होगा वो लिखे या ना लिखें यहाँ पे टू टू कैंसिल हो जाएगा हमारे पास पास किया माइनस थ्री अब x पावर में से एक, एक काम करें माइनस थ्री बाई टू में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस फाइव बाई टू तो इसमें से थ्री माइनस थ्री आप कॉमन भी लेकर मज़द कर सकते हैं माइनस थ्री वन बाई एक्स पावर फोर चूँकि इसके एक्सपोनेंट नेगेटिव था रेसिप्रोकल लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा सेम इज़ द केस विद नेक्स्ट वन, वन। माइनस थ्री कामन लिया तो ये प्लस हो जाएगा और एक्स पावर माइनस फाइव बाई टू रेसिप्रोकर लेंगे तो एक्स पावर फाइव बाई टू वन बाई ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर थ्री लेट वाईक्स टू तो ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स अब देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर थ्री हमें गिवन है ये क्वेश्चन फॉर्म में गिवन है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में क्वेश्चन होता है दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन रूल अब इस पर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है रूल्स आपको सिखाते हुए तो इस पर अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन रूल तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस पर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स डायरेवेटिव ऑफ ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स तो क्वेश्चन रूल अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था क्वेश्चन रूल में कि स्क्वेयर ऑफ डी नामिनेटर देन डी नामिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर जो फ्रैक्शनल फॉर्म की जो निचल टर्म होती है उसे तो हम कहते हैं डी नामिनेटर जो अपर टर्म होगी दैट इज कॉल्ड न्यूमिरेटर देन यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा अब जिसका डेरिवेटिव लिया होगा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर लिया था और नो न्यूमिनेटर एज इट इज़ इन टू डायरेवेटिव ऑफ़ डी नामिनेटर ना ए माइनस एक्स डायरीवेटिव ऑफ एयर ए रिप्रजेंट अ टर्म तो कॉन्सटेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो यहाँ पर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस ए प्लस एक्स अब यहाँ पर ए का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस वन

नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ मूव करते हैं तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन जो फिलहाल थोड़ा कम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसको हम थोड़ा सा इजीली रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे दैट इज़ वाई इक्वल्स टू वन प्लस अंडर रूट एक्स एक्स माइनस एक्स पावर थ्री बाई टू अपॉन अंडर रूट एक्स तो अगर आप देखेंगे हम इन दोनों टर्म में से एक्स कामन ले सकते हैं तो हमारे पास बच जाएगा एक्स माइनस एक्स पावर थ्री बाई टू ये हमने एक्स पावर थ्री बाई टू में से वन कामन लिया जब थ्री बाई टू में से वन को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स पावर वन बाई टू अंड्रो रूट एक्स इट इज देन वाई इक्वल्स टू ये हमारे पास आ गया एक्स तो एक्स को हम लिख सकते हैं अंड्रो टैक्स इंटू अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया हमारे पास एक्स ही बचेगा अब ऑन एक एक्स और एक अंडोटैक्स कैंसिल होगा इसलिए हमने यहाँ पे इसको अंड्रोटैक्सी फॉर्म में लिखा वन प्लस अंडो टैक्स इंटू वन माइनस बन जाएगा एक्सपायर वन बाई टू इक्वल्स टू वन माइनस एक्स अब वन प्लस अंडो टैक्स इंटू वन माइनस अंडर टैक्स आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्वेयर देन वाई हमारे पास हो गया अब अंडो टैक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर वन बाई टू माइनस एक्स पावर ये वन ऑलरेडी है ये वन बाई टू भै सेम हो तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स एड करेंगे वन प्लस वन बाई टू गिवज थ्री पावर टू यहाँ पे थोड़ी वो तो यहाँ से भी सॉल्व हो सकता है मगर यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लिकेशन थी लेंथी क्वेश्चन हो सकता था मिस्टेक के चांसेस थे इसलिए हमने इसको पहले सिंपलीफाई किया आप इसमें सॉल्व करेंगे तो ईजीली आपसे डेरिवेटिव इसका आप ले सकते हैं नौ हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई इक्वल्स टू एक्स पार वन बाई टू माइनस एक्स पार थ्री बाय टू दोनों टर्म है ये हमारे पास डिफरेंस के फॉर्म में है तो प्लस या माइनस के फॉर्म में जब भी टर्म होती है तो डेरिवेटिव लेते हुए हमने दोनों को वन बाय वन डिफ्रेंशिएट करना होगा और चूंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल की पावर है तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल तो डेरिवेटिव लेंगे हम एक्स पावर वन बाय टू का माइनस डेरिवेटिव ऑफ पावर थ्री बाय टू तो पावर रूल अप्लाई करेंगे एक्सपावर वन बाय टू पावर पहले पावर में से एक कम फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन चूंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स है तो x का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे वन हो जाएगा वन लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना लिखे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब वन को इस स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा वही टर्म आ जाएगी सेम है जी माइनस एक्स पावर थ्री बाई टू पावर पीछे पावर में से एक कम थ्री बाई टू में से एक माइनस करेंगे तो वन बाई टू देन फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन क्या होगा जिसके ऊपर पावर होगी तो पावर हमारे पास एक्स की पे है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन तो अब वन को जब इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री बाई टू एक्स पावर वन बाई टू तो दोबारा हमारे पास ये टर्म आएगी तो इसलिए वन लिखें या ना लिखें मोस्टली एक्स का डेरिवेटिव वन होता था वो न, वन नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता सो डी वाई बाई डी एक्स वन बाई टू एक्स पावर माइनस वन बाई टू था इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स रूट आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू एक्स पावर वन बाई टू इज़ अंडरूट एक्स ये yeah, गया हमारा क्वेश्चन नंबर हो सेम है ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर नाइन आपका क्वेश्चन नंबर नाइन वाई टू एक्सर प्लस माइनस थ्री फ्रेक्शनल फॉर्म में है तो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो क्वेश्चन होगा जब उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूल अप्लाई होगा विच इज कॉल्ड एज क्वेश्चन रूल तो डिफरेंशिएट करेंगे क्वेश्चन नंबर वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डिफ्रेंशिएट करते हुए क्वेश्चन रूल का क्या था जी कि हमने डीनोमिनेटर का पहले लेना है स्क्वेयर अब फ्रैक्शनल फॉर्म में जो नीचे टर्म लिखी होती है दैट इज कॉल्ड डिनिनेटर स्क्वेयर ऑफ डी नामिनेटर देन डीनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्र माइनस थ्री इंटू डायरेवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर फिर फॉर्मूले का माइनस अब न्यूमिरेटर एज इट इज लिखेंगे पहले हमने न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव लेना है फिर माइनस के बाद न्यूमिरेटर को एज इट इज रहने देंगे देन डेरिवेटिव लेंगे हम डिनोमिनेटर का मतलब दोनों पार्ट में हमने एक दफ़ा न्यूमिनेटर को रहने देना है उसका डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ये इसका कुछ रूल है वो आपने चेक करना कहीं से मिस्टेक ना हो सो so, बाकी सिंपल है जी एक्स स्केर माइनस थ्री एज इट इज़ आप एक्स स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल टू एक्स वन चूँकि कॉन्स्टेंट टर्म है दैट शुड बी ज़ीरो माइनस एक्स स्केयर प्लस वन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर माइनस थ्री अब एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स और थ्री का डेरिवेटिव ज़ीरो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है और एक्स स्केयर माइनस थ्री होल स्केर एज इट इज़ देन न्यूमिरेटर में देखेंगे तो टू एक्स और टू एक्स ये हमारे पास आ जाएंगी कॉन्स्टेंट और ये दोनों कामन है तो कामन ले लेंगे एक ये टू एक्स और एक ये टू एक्स हमारे पास ये हम ले लेंगे कामन जब ये कामन ले लेंगे हमारे पास बच जाएगा स्केयर माइनस थ्री माइनस एक्स स्केयर माइनस वन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस के तो ये माइनस हो गया देन लाइक टर्म कैंसिल हो सकती है एक्स स्केर माइनस एक्स स्केर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बच जाएगा माइनस थ्री माइनस वन तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस फोर ये हो गया हमारे पास टू एक्स जो कॉमन लिया था माइनस फोर को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एट एक्स अपान एक्स स्केयर माइनस थ्री होल स्केयर एज इट इज यह है जी हमारे पास सोलूशन किस क्वेश्चन के रूल्स अगर आपको अच्छे से तैयार होंगे तो आप इनको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं तो डेरिवेटिव स्टडी करने से पहले इट इज़ मस्ट कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रूल्स की कि रूल्स कौन सा रूल कहाँ अप्लाई होगा और कौन सा रूल क्या है जी प्रोडक्ट रूल होगा तब भी देख लीजिएगा और क्वेश्चन रूल होगा तब भी और अगर पावर रूल होगा तो तब भी बहुत इजी से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर नंबर टू अगर चैप्टर टू के साथ ही रेसिप्रोकल है चैप्टर नंबर थ्री विच इज़ अबाउट इंटीग्रेशन तो अगर आपको चैप्टर टू की समझ आती है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में तो थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंड करना आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होती एंट्रेंस के एग्जाम्स में भी मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं चैप्टर टू और थ्री में और आपके एग्जाम्स में जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वहाँ से भी मोर देन फोर्टी परसेंट आपका जो पेपर होता है उसका वेटेज दोनों चैप्टर में से होता है तो दोनों चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं और आपकी तैयारी भी अच्छी हो नाउ वी आर है माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है जब भी सिंगल रूट के अंदर दो टर्म होती है अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हूँ तो हम उनको वन बाई वन अंडर द रूट फॉर्म लिख सकते हैं और अगर अंडर द रूट अगर हमारे पास दो टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में हैं सिंगल अंडर रूट हो हमारे पास उसमें दो टर्म हमारे पास आ जाएंगे प्रोडक्ट फॉर्म में तो ये रूल है कि हम उनको बी अकेले के लिए लिख सकते हैं अंडर टैक्स और अंडरूट वाई करके लिख सकते हैं तो ये रूल प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया होगा तो ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे रूट में फ्रैक्शनल फॉर्म में दो टर्म में सिंगल रूट है तो उनको वन बाई वन लिखेंगे और रूट की वैल्यू जो आपको पता है आपने स्टडी किया होगा प्रीवियस क्लासेस में जो रूट की वैल्यू होती है जस्ट अंडर द रूट ये इसकी वैल्यू होगी वन बाई टू दिस इज द वैल्यू ऑफ स्क्वेयर रूट वन बाई टू तो यहाँ पे लेंगे हम ए माइनस एक्स पार वन बाई टू ये वन बाई टू कहाँ से आएगा ये अंडर रूट की वैल्यू जो उसके ऊपर है और ए प्लस एक्स पार वन बाई टू ये आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा बाकी वही मेथड है ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल तो क्वेश्चन रूल क्या है जी स्क्र ऑफ डी अब हमारे पास डी है जी ए प्लस एक्स पर वन बाई टू उसका ले लेंगे स्क्वेयर देन डी नामिनेटर एज इट इज़ क्योंकि ए प्लस एक्स पर वन बाई टू है तो उसको हम रूट के फॉर्म में लिखेंगे ये तो चेंज नहीं होगा ये एंड तक एज इट इज चलता जाएगा तो यहाँ पे ए प्लस एक्स अंडर द रूट देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर विच इज़ ए माइनस एक्स पार वन बाई टू फिर फार्मूले का माइनस नौ जिसका हमने डेरिवेटिव लिया होगा उसको एज इट इज़ लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ़ डी नामिनेटर ए प्लस एक्स पार वन बाई टू अब ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे बच जाएगा डी नामिनेटर हमारे पास ए प्लस एक्स नौ ए प्लस अंडर द रूट ए प्लस एक्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे पावर रूल पावर पीछे पावर में से एक कम ए माइनस एक्स पावर वन बाई टू था वन बाई टू को पहले लिखेंगे देन वन बाई टू में से वन माइनस किया तो माइनस वन बाई टू फिर ए यहाँ पे टर्म है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन देन माइनस अंडरूट ए माइनस एक्स एज इट इज और डायरेवेटिव ऑफ ए प्लस एक्स पावर वन बाई टू पावर रूल अप्लाई करेंगे पावर पीछे पावर में से एक काम फिर फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन होगा वो लिखें या ना लिखें जब माइनस एक्स होगा तो माइनस एक्स के लिए आपने उसका डेरिवेटिव माइनस वन मस्ट मेंशन करना है बिकॉज जो माइनस का साइन होगा वो क्वेश्चन में कुछ और इम्पैक्ट रखता है और अब सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव होगा दैट इज़ पॉजिटिव वो वन लिखें या ना लिखें उससे कोई भी टर्न पर फ़र्क नहीं पड़ता बट माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपने मस्ट मेंशन करना है दैट इज़ माइनस वन नेक्स्ट हमारे पास ए प्लस एक्स हम साइड पे लिख लेंगे अंड रूट ए प्लस एक्स यहाँ पे हमारे पास ये माइनस आ गया माइनस वन पॉइंट टू इंटू ए माइनस एक्स अंडर द रूट इसको अंडरूट फॉर्म में लिख लेंगे माइनस अंडरूट ए माइनस एक्स वन पॉइंट टू ये चूंकि नेगेटिव आ गया तो इसको भी लिखेंगे हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में फिर हम इनका एलसीएम लेंगे और मज़ीद इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस को अंदर मान मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए प्लस एक्स ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस एक्स देन माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास बच गया माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए अपन टू रूट ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स यहाँ से आप टू को टू को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन अपान ए प्लस एक्स और ये हंड्रोड वाली ए प्लस एक्स की वैल्यू बाहर आ जाएगी माइनस ए अपान वन माइनस एक्स अब वन और जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं इसके पावर हमारे पास है जी वन वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू वन और ए प्लस एक्स पावर थ्री बाई टू इंटू माइनस ए अपान हंड्रोड ए माइनस एक्स दिस इज़ योर आंसर जी ये हमने ले लिया डेरीवेटिव थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था मगर इजी है आप इनको चेक करेंगे रूल्स को तो आसानी रहेगी आपकी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमने सॉल्व कर लिया जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये शार्ट में आपको बताऊंगा कुछ आप करेंगे इसको ये बना जी वाई गोल्स टू एक्स अंडर द रूट ए प्लस एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स तो चूँकि क्वेश्चन फॉर्म में है तो डायरेक्टली हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे अब अनूट ए माइनस एक्स स्क्र ऑफ़ डी नामिनेटर स्क्र और वन बाई टू पावर कैंसिल हो जाएगी देन डी नामिनेटर एज इट इज डायरीवेटिव ऑफ़ न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डायरीवेटिव ऑफ़ डी नामिनेटर अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमिरेटर आता है वो दो टर्म आ गई है एक्स इंटू अनूट ए प्लस एक्स ये प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे अप्लाई करेंगे चूंकि दो टर्म प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे आप ये करें कि अगर आप यहाँ पे एक्स को बोल दें फर्स्ट टर्म और अंडर रूट ए प्लस एक्स को कंसिडर कर लें सेकेंड टर्म तो फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो नेक्स्ट तो सिंपल से ही होगा ए माइनस एक्स के पावर पीछे पावर में से कम और फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे फिर एक्स एज इट इज़ हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एक्स पावर वन टू है तो पावर पीछे पावर में से कम फिर फंक्शन का डेरिवेटिव ए है तो ए का डायरेक्ट जीरो होगा और एक्स कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्टिव वन होगा वन लिखें या ना लिखें फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स यहाँ तक तो क्लियर हो गया देन एक्स इन टू ए प्लस एक्स यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ये वही रूल्स हैं जो आपने स्टडी कर लिए हैं इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन को सॉल्व करना है जी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये आपके लिए रिमेनिंग जो उसका पार्ट है वो आपने असाइनमेंट के तौर पर सेंड करना है जी नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हमें गिवन है जी लेट वाई इज इक्वल टू अंडरस प्लस वन बाई एक्स ये हमें गिवन है देन हमने प्रूफ करना है टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू अंडर रोटेक्स ये हमने इसको प्रूफ करना है वी आर गेवन वाई इक्वल्स टू अंडर माइनस वन बाई अंडर एक्स तो इसको हम लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स पार वन बाई टू ये जो हमें है वैल्यू है एक्स की ये हो जाएगी एक्स पावर वन बाई टू बिकॉज आपको बताया गया है कि जो अंडर रूट होगा उसकी वैल्यू क्या होती है जी वन बाय टू तो एक्स है वन बाई टू हो गया माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स है तो वन ओवर है एक्स पावर वन बाई टू जब इसको रिमूव करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस वन बाई टू आप इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई करेंगे एक्स पावर वन बाई टू है जब डिवेटिव लेंगे तो पावर पीछे फिर पावर में से एक कम वन बाई टू में से वन माइनस करेंगे तो माइनस वन बाई टू फिर फंक्शन का डेरिवेटिव भी यहाँ पे साथ आ जाएगा तो एक्स का डेरिवेटिव वन होगा तो वन लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चूँकि मल्टीप्लाई करेंगे वन को तो वो आइट टर्म आएगी माइनस तो पावर पहले लिखेंगे पावर रूल पावर है जी हमारे पास माइनस वन बाई टू तो पावर पहले माइनस वन बाई टू फिर पावर में से एक काम एक्स पावर वन बाई टू में से वन कम का, कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे तो चूँकि फंक्शन हमारे पास है एक्स तो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होगा वन तो वन से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सो वी हैव वन अपान टू एक्स पावर माइनस वन बाई टू है तो एक्स हो जाएगा अब ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस वन अपान टू एक्स पावर नेगेटिव है तो नीचे करके लिखेंगे तो ये हो जाएगी थ्री बाई टू एक्स पावर ये हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स अब हमने ये वाई की वैल्यू और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको इक्वल प्रूफ करेंगे जो रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड है तो ये जी हमारे पास टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमने डिटरमाइन की होगी वन अपन टू अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई टू एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस वाई है यहाँ पे प्लस वाई तो वाई की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रू एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स हो गया आप इनको सिम्प्लीफाई करेंगे यहाँ पे आपने टू कामन ले लेना है जब टू कामन लेंगे तो ये टू और जो कामन टू लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स अपान अंडर उ टैक्स प्लस एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स पावर थ्री बाई टू तो ये टर्म एज इट इज़ अंडर उ माइनस वन बाई अंड्रो टैक्स ये हमने टू एक्स इक्वल इसको प्रूव करना है जी अब आपको पता है कि एक्स और अंडर अंड्रो टैक्स को जब हम लिखते हैं तो वो हो जाएगा अंडर उ एक्स ये रूल आपने स्टडी किया होगा प्रीवियस क्लासेस में तो एक्स और two, जब two, करेंगे तो बचेगा। उसको हम वन बाई लिख सकते हैं ये हो गया। और ये वन बाई इट इज देर अंड्रो टैक्स प्लस टू टू अंड्रो टैक्स इसी को हमने प्रूफ करना था सॉल्व करके टू अंड्रो टैक्स टू टू अंड्रो टैक्स विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना था वाई की वैल्यू गिवन है तो देन शो दैट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन नाउ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड वी आर गिवन विद वाई टू एक्स फोर प्लस टू एक्सर प्लस टू एंड वी है तो जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन होगी हमने उसी को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आप एक्स पावर फोर पावर वो लगाएंगे एक्स पावर फोर का डायरेवेटिव होगा पावर पीछे पावर में से कहा फंक्शन का डायरेवेटिव फोर एक्स क्यूब और वन का जो होगा डेरिवेटिव एक्स का वन होगा तो वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स क्यूब सेम लैकवाइज टू एक्सकेर का डेरिवेटिव जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो फोर एक्स आ जाएगा अब जब यहाँ से हम फोर एक्स का अमल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स के प्लस वन तो जो प्रूव करना है हमारे पास फोर एक्स इंटू वाई माइनस वन फोर एक्स तो हमारे पास आ गया अब हमने इसकी जगह से मूव करना है वाई माइनस वन तो दोबारा में जो गेवन इक्वेशन है उसी के पास चलेंगे विच इज गेवन एज वाई इज वल टू एक्स फोर प्लस टू एक्स केयर प्लस टू तो यहाँ पे दोनों साइड पे हम क्या करेंगे वन को सेपरेट करेंगे जब बहुत साइड हम वन को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स फोर प्लस टू एक्स केयर प्लस वन तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाएगी एक्स केयर प्लस वन होल स्केर और स्केयर रिमूव करने के लिए हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट वाई माइनस वन इक्वल टू तो एक्स स्केयर प्लस वन सो so, इस एक्स स्केयर प्लस वन की जगह हम रिप्लेस करेंगे अंडरुट वाई माइनस वन सो पुटिंग एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू तो वाई माइनस वन इक्वेशन टू में और तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा फोर एक्स और एक्स केयर प्लस वन की जगह अंडरुट वाई माइनस वन विच इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट यह लास्ट क्वेश्चन हमारा था जी एक्सरसाइज का